दधानं हस्तपद्माभ्यां कुष्मांडा शुभदास्तु मे। प्रेम से बोलिए माता कुष्मांडा की जय। नमस्कार मेरे सभी प्रिय श्रोता एवं दर्शकगण, नवरात्रि के चतुर्थ दिवस पर आप सारे भक्त जनों को माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप माता कुष्मांडा के पूजन की अनेक शह शुभकामनाएं। अपनी कृपा दृष्टि माता आप सबों पर बरसाती रहे, यही मेरी हार्दिक मंगल कामना है। प्रेम से बोलिए जय माता की। जय माता की। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण चतुर्थ स्वरूप माता का नाम कुष्मांडा पड़ा। सर्वत्र अंधकार और घोर अंधकार था, सृष्टि का सृजन प्रारंभ भी नहीं हुआ था। तब एक छोटे से ऊर्जा के गोले ने जन्म लिया। यह गोल चक्र चारों तरफ से प्रकाशमान हो गया और कुछ समय के बाद उस गोले ने अपना स्वरूप बदलकर एक देवी का रूप धारण किया। यही देवी माता कुष्मांडा के नाम से भक्तों में प्रसिद्ध हुई। इनका स्थान सूर्य मंडल में भीतरी लोक में है। सूर्य मंडल में निवास करने की क्षमता और किसी में भी नहीं है। माता के इस स्वरूप को सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा गया है। सूर्य मंडल के भीतरी लोक में निवास करने वाली माता की कांति और आभा सूर्य की तरह ही दैदीप्यमान है। सृष्टि का संपूर्ण प्रकाश और दसों दिशाओं में फैले प्रकाश एवं दिव्य ऊर्जा का स्रोत माता के इस स्वरूप को ही माना गया है। यों कहिए कि ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। माता का वाहन सिंह है और इन्हें कुंभड़े की बलि अति प्रिय है। संस्कृत में कुंभड़े को कुष्मांड भी कहा गया है। अतः ऐसी अवधारणा है कि माता के नामकरण में इस कुंभड़े का भी संयोग है। आइए माता के उद्भव और अवतरण की कथा मैं रामजी मिश्र आप सभी विशिष्ट भक्त जनों को सुनाता हूँ। प्रेम से बोलिए सृष्टि आदि स्वरूपा माता कुष्मांडा की जय। पौराणिक शास्त्र मतानुसार जब सृष्टि का भी जन्म नहीं हुआ था तब सर्वत्र अंधकार और गहन अंधकार फैला था। तदुपरांत देवी ने अवतार लिया एक प्रकाशमान गोले के रूप में। माता ने सर्वप्रथम तीन देवियों को उत्पन्न किया, जिन्हें मां महालक्ष्मी, मां महाकाली और मां महासरस्वती कहा जाता है। महाकाली के शरीर से एक नर और एक नारी ने जन्म लिया। नर के 5 सिर और 10 हाथ थे, जिन्हें शिव कहा गया है, और नारी का सिर और 4 हाथ थे, जिनका नाम सरस्वती रखा गया। महालक्ष्मी के शरीर से एक नर और एक नारी का जन्म हुआ। नर के 4 हाथ और सिर थे, उनका नाम ब्रह्मा रखा गया और नारी का नाम लक्ष्मी रखा गया। फिर मां सरस्वती के शरीर से एक नर और एक नारी का जन्म हुआ। नर का 1 सिर और 4 हाथ थे, इनका नाम विष्णु रखा, और नारी का 1 सिर और 4 हाथ थे, इसलिए उनका नाम शक्ति रखा गया। माता के इस स्वरूप को पीला रंग अति प्रिय है। केसरिया या पीला रंग शुभता प्रदान करता है। यह रंग सूर्य देव, मंगल और बृहस्पति जैसे ग्रहों का भी प्रतिनिधित्व करता है। माता कुष्मांडा ने अपने प्रबल ओज और तेज से सृष्टि की नींव रखी। मां ने शिव को शक्ति, ब्रह्मा को सरस्वती और नारायण को लक्ष्मी पत्नी रूप में प्रदान कर सृष्टि निर्माण और कल्याण की आधारशिला रखी। मां ने अपनी ऊर्जा से कई देवी देवताओं को उत्पन्न किया। माता कुष्मांडा अष्टभुजा वाली हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है, और 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है।
शांत और पवित्र मन से नवरात्रि के चतुर्थ दिवस के इस पूजन आराधन भक्तों के रोग शोक का दमन करता है और यश बल ओज स्वास्थ्य से संबलित करता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्तों को अल्प समय में ही कृपा का अनुभव होने लगता है। प्रेम से बोलिए जगत नियंत्रणी आदि स्वरूपिणी भयहारिणी भवतारिणी माता कुष्मांडा की जय। माता के इस कुष्मांडा स्वरूप को मेरा बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार।